ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सूरत में आ गया बाबा, मैं समझ नहीं आ रहा क्या शूट करूँ, क्या कंटेंट बनाऊँ आपके लिए एंड क्या डालूँ यूट्यूब पे। सो लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि जो ऑटोमेटिक होगा वही मैं डालूंगा, जो होगा वही बनाऊँगा मैं। सो मैंने एक बोला था कि 7 तारीख को मैं शादी अटेंड करने वाला हूँ। सो वो 7 तारीख आ गई, मतलब 5 है अभी, तो 2 दिन बाद है शादी। सो अब मैं ये शूट क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। पहला कुछ है नहीं तो मैं सोचा ये कर लेता हूँ। सो सेकंड ये है कि हर शादी में कुछ ना कुछ फ़न होता है, अलग चीज़ें होती है एंड दिखाने जैसा होता है, तो मैं सोचा ये भी बना के देख लो आप, अच्छा लगेगा आई होप। सो बस अभी सामान मैंने पैक कर लिया एंड 3 दिन और 3 रात में वहाँ रहने वाला हूँ, मतलब आज का दिन, कल का पूरा दिन एंड कल परसों, मतलब 7 तारीख का भी पूरा दिन, 8 तारीख को मैं वापस यहाँ से अपने घर आ जाऊँगा। तो वहाँ पे जो भी होगा वो दिखाऊंगा एंड आज एक ही दिन में 3 फंक्शन है, पहला हल्दी है, केक है एंड एक गरबा टाइप नवरात्रि कुछ खेलने वाले हैं। सो वो सब दिखाऊंगा मैं, तो मज़ा आएगी, ड्रेसअप होंगे, सब फन होगा, इन्जॉयमेंट होगी, सब बताऊंगा मैं आपको। तो सामान पैक कर लिया है, अभी थोड़ी देर बाद मैं नहाऊँगा एंड फिर निकलेंगे, तो वो सब दिखाऊँगा, तो स्टे ट्यून। तो चलो उसे देख रहे हो, ये 2017-16 के शूज़ हैं, बस ये डिस्प्ले पर आपको फ़ोटो डाल दूँगा, ऐसा दिखता था मैं। ये मैं बर्थडे में लेके आया था स्कूल में, पहले अपने यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, सिविल ड्रेस पहन के जाते, आपको पता है। सो उस टाइम ये शूज़ लेके आया था मैं। सो ये फ़ोटो देखो, तो ये पूरा सामान मेरे मम्मी पापा भाई का है, इसमें मेरे भाई का है और मेरा है, इसमें मम्मी का है एंड उसमें शायद पापा का है एंड ये मेरा सूट, इसमें सारे शूज़ हैं एंड सब स्लीपर टाइप एंड बस। तो ये पैक हमारे 4 है और बाकी दादा दादी के भी है, चाचू चाची खुश के भी है। सो सब मैं बताऊंगा एंड ये शूज़ मैंने धो दिए, सो इसको भी मैं पहनने वाला हूँ आज। सो स्टे ट्यून, मिलता हूँ मैं नहा धो के निकलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। राइट गाइस, सो अभी कुछ 2:30 हो गए एंड मैं रेडी हो गया। सो रेडी अभी बैक कैमरा करके बताऊँगा मैं। सो अभी गाड़ी आने वाली है 10-15 मिनट में, सो सामान जाएगा, सामान सारा बाहर है एंड हम भी गाड़ी में निकल जाएंगे, फिर मैं बताऊँगा मैं कहाँ स्टे करने वाले हैं, कहाँ मैं जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून। बाल मैंने स्ट्रेट किए थे बट वो भी थोड़ा सा ऐसे रह गए, बट चलो ठीक है। सो हल्दी है तो येलो शर्ट, ट्राउज़र, वाइट शू, वॉच कहाँ गई, हाँ। सो डैडी एंड हाँ, मैंने हेयर स्ट्रेट किए थे वो नहीं शूट किया, दादी में चोटी बनाई वो शूट नहीं किया, मम्मी के हेयर स्ट्रेट किए वो शूट नहीं किया, एक दो चीज़ें और शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा भाई बंधु नहीं है कि मैं वो हेल्प करे मेरे शूट करने में। सो क्या कर सकते हैं। सो इसमें भी टाइट है शर्ट, नहीं इन निकल रहा बहुत दिक्कत होती है बाद में। सो चलो मिलते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. पूरा टेम्पो में हमारा सामान है, मतलब जो हमने कहा था यहाँ पे जितने रहने वाले उनका सबका सामान है। सो यहाँ से वो अपने रूम में जाएगा एंड ये एक स्टेज एंड ये क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, एक हॉल है। सो चलो बाहर। सो ये फाइनली पहुंच गए एंड यहाँ पे आने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद ये बना नहीं और लिफ्ट चल क्यों नहीं चल। तो यहाँ पे आने के बाद एक तो समझ नहीं आया कि मतलब कहाँ अपना बदल दी गए और कहाँ ऐसे, मतलब आधा यहाँ आधा यहाँ। सो तैसे तैसे करके मिला है, मुझ तो पूरा डर हो गया। सो चलो अभी आपको रूम बता दो एंड हम जा रहे हैं बहुत जगह बता दो। सो आगे अपना फ्लोर सेकंड। सो ये एक पैसेज, फैन एंड ये यहाँ पे सारे रूम। सो मेरा रूम जो है वो है 203
NCR. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो अभी हल्दी का फंक्शन खत्म है एंड नाउ सेकंड फंक्शन इज नवरात्रि, मतलब थोड़े से अपने टाइम पास के लिए गरबा खेल लें. सो मैं तो शायद तक नहीं खेलने वाला क्योंकि मजा नहीं आता. जैसे मैं बहुत टाइम हो गया, कब लास्ट मैंने नवरात्रि डांस किया था पता नहीं. सो कोई नहीं, नाचेंगे नहीं तो क्या, और ड्रेसअप तो होंगे. सो उसके लिए सो यहाँ पर मस्त लाइटिंग है ब्रो. लाइक ये लाइटिंग जो है ना, ये वाली क्या लाइटिंग है, मतलब रूम में मत नंबर. अभी दिखाऊंगा सब बैकग्राउंड है. सो फिलहाल फेस वॉश कर लेता हूँ, मिलता हूँ. बढ़िया भी बहुत अच्छा लग रहा, मतलब यहाँ बैठो ऐसे फोन रख दो एंड बैठे बैठे मस्त बम दे रहा हूँ. मैंने बाल लंबे किए नहीं, देखो अभी बनते नहीं है, फिर अच्छा दिखते नहीं है. मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत मेरे को अजीब से लग रहा है, बट क्या कर सकता, कोई नहीं. सो ये है ड्रेस कोड अभी थोड़ी देर के लिए, एक घंटे के लिए. सो मैं ये बोल रहा था, ये जो कुर्ता है ना, ये वाला, ये मेरा नहीं है, ये पापा का है. मतलब आज जो हल्दी देखी थी वैसे ही हल्दी होती, उसमें ही पापा के शादी के टाइम का पापा ने पहना था. सो आज से कम 21 का मैं, तो मतलब 22-23 साल पुराना कुर्ता है ये. सो अब पता नहीं नवरात्रि कब स्टार्ट होगी, 7:03 हो गए. सो अच्छा लग रहा है, पापा को कुर्ता पहन के, अंदर कुछ पहना नहीं है, सब बोले गिंजी पहन गिंजी पहन, पर नहीं पहनता यार. मैं स्कूल टाइम में छोटा सा था ना, इतना सा हाथ कहाँ गया, हाँ इतना सा था तभी मैं गिंजी नहीं पहनता था. अब कहाँ गिंजी, गिंजी मतलब बनियान, आई हेट डैट. सो नहीं पहना मैंने. सो मैं इस रूम की बात कर रहा था, ये देखो येलो लाइट, ये लाइट्स. ख़त्म. सो अब एक फंक्शन बाकी, जो केक कटेगी एक अभी 1:12 बजे. सो अभी थोड़ा थकान भी हो रही, पैर दर्द कर रहा है. फिलहाल तो रूम में चलते हैं, थोड़ा सा यू नो ब्रेक लेते हैं, लेटते हैं, पैर दर्द कर रहे. सो चलो. सो ऑलराइट गाइस, सो केक तो कटे नहीं, क्यों नहीं कटी मुझे पता नहीं रीज़न. एंड ये मेरी नाइट शूट है, मतलब चौथी ड्रेस मैंने आज बदली. एंड कल वापस दो चीज़ होने वाली है, कल मैं वीडियो बनाऊंगा तब देखना. सो अभी नहीं, सो आज का दिन ख़त्म करते हैं. एंड और क्या बोल रहा, मेरे को और कुछ नहीं बोला. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जो मेरे को लगा मैंने शूट करना चाहिए मैंने वो किया, जो दिखाना था वो मैंने सोचा वो दिखा दूँ.
सो आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और डिसलाइक भी मार सकते हो, बट कमेंट कर देना। सो कल भी होने वाला है तो मैं कल शूट करूँगा, अभी के लिए तो बाय बाय। एंड ये दो दिन और है शूट करना, कर लेता हूँ फिर वापस सोच में बैठ जाऊँगा क्या शूट करूँ क्या नहीं। चलो देखते हैं, एवरीथिंग हैपन फॉर रीज़न। तो बाय बाय।